नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से खबर आ रही है जहां पर 150 से ज्यादा बाराती फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। शादी समारोह में खाना खाने से ये लोग बीमार हुए। अचानक से उल्टी, दस्त से हड़कंप मच गया। सभी बीमारों को अस्पताल में भर्ती किया गया। रेस्टोरेंट में था शादी समारोह का आयोजन और ऐसे में 150 से ज्यादा बाराती शादी समारोह में खाना खाने से बीमार हो गए। उल्टी, दस्त की शिकायत के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, तो हड़कंप मच गया ऐसे में और सभी बीमार को अस्पताल ले जाया गया, भर्ती किया गया। एक रेस्टोरेंट में शादी का समारोह का आयोजन यहां पर किया गया था और ऐसे में जो खाना वहां पर बारातियों ने खाया, कम से कम 150 की संख्या बताई जा रही है। 150 से ज्यादा बाराती फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए और ऐसे में उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हुई, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर। सभी बीमार को अस्पताल में भर्ती किया गया। एक रेस्टोरेंट में शादी समारोह का आयोजन हुआ था और ऐसे में खाना जिन लोगों ने खाया उनकी तबियत बिगड़ गई, उल्टी दस्त की शिकायत उन्हें आई और ऐसे में उन्हें अस्पताल भिजवाया गया। ग्वालियर का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर 150 से ज्यादा बाराती बीमार हो गए शादी समारोह का खाना खाके। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं जहां पर शादी समारोह का खाना खाने से बारातियों की तबियत बिगड़ गई। एक रेस्टोरेंट में ये पूरा आयोजन किया गया था जहां का खाना खाने से 150 से ज्यादा संख्या में लोगों की जो है तबियत खराब हो गई, उल्टी दस्त की शिकायत उन्हें आई और ऐसे में सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से, शादी समारोह में खाना खाने से लोग हुए बीमार, अचानक से उल्टी दस्त से हड़कंप मच गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी संजय शर्मा से। संजय, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पाया इस मामले पे? यहाँ पर जो एक निजी रेस्टोरेंट है वहाँ पर कल रात को शादी समारोह था, वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर दुल्हन भी बीमार हुई है, दूल्हा भी बीमार हुआ है, तो भाई उसके पिता, घराती, बराती सभी लोग बीमार हुए हैं। और इसमें खास बात ये रही कि जो रेस्टोरेंट संचालक जिसने की जिनसे खाना परोसा था फूड पॉइजनिंग वाला, वो वहां से फरार हो गया। रात को 2 बजे तक कोई भी स्टाफ का कोई भी बंदा वहां पर नहीं था। देर 12 से 2 बजे के तक भी कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। लापरवाही यहां तक रही निगम प्रशासन की, या कहें जिला प्रशासन की लापरवाही यहां तक रही कि कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हम जब वहां पर गए, हमने बातचीत की लोगों से, तो उनका कहना ये था कि जो बाहर से आए थे, आने वाले लोग थे, यानी मैनपुरी की ये बारात थी, आधे से ज्यादा लोग मैनपुरी जा चुके थे और वहां पर जो है भर्ती थे। कुछ लोग यहाँ पर ग्वालियर में भर्ती थे, हालांकि उनको बहुत ज्यादा सीरियस वाली बात नहीं रही क्योंकि उनको प्राथमिक इलाज के बाद में ड्रिप वगैरह देकर उनको घर जाने के लिए कह दिया गया। लेकिन बड़ी बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरह के मामले, इतना बड़ा मामला हो जाता है, कोई भी अधिकारी या जिम्मेदार जो भी है इस मामले को लेकर वहां पर नहीं पहुंच पाते, ना ही वहां पर पुलिस पहुंची है और ना ही किसी ने अभी तक शिकायत दर्ज तक पुलिस ने अभी तक नहीं की है। हालांकि जो बाहर की शादी थी, तो एक जो पार्टी थी, जो लड़की थी वो भिंडी की थी और जो लड़का था वो मैनपुरी का था, तो ग्वालियर में इन्होंने शादी समारोह रखा था, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो लापरवाही यहाँ पर सामने आई है, खासतौर से अधिकारियों को, रेस्टोरेंट संचालक की। हालांकि रेस्टोरेंट संचालक अभी भी मौके से गायब है और अभी तक वो नहीं मिला है। हालांकि पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन जिला प्रशासन ने इसको संज्ञान अभी तक नहीं लिया है, ये बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।